अंतिम चरण के चुनाव हेतु तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं पोलिंग पार्टियां अलग अलग बूथों पर ड्यूटी हेतु रवाना हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान हेतु सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बूथों पर बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं मतदान ड्यूटी में तैनात पोलिंग पार्टियां भी ईवीएम सहित अन्य सामानों संग अपने अपने बूथ हेतु रवाना हुई। पोलिंग पार्टियों की रवानगी पहाड़िया मंडी, यूपी कॉलेज, कटिंग मेमोरियल इत्यादि स्थानों से अलग अलग विधानसभाओं के लिए हुई। वहीं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा पहाड़िया मंडी पहुंचे। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस बाबत उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग स्थानों से 8 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पहाड़िया मंडी से अजगरा और शिवपुर विधानसभा हेतु रवानगी हो रही है। उन्होंने बताया कि 3371 बूथ हैं, जो कि 1248 केंद्रों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों के लिए 1200 से अधिक बसें लगाई गई हैं, जिसमें पुलिस, पीएससी व पोलिंग पार्टी रवाना हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के बाद पुनः पहाड़िया मंडी में ही ईवीएम व अन्य सामग्री एकत्रित करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सेक्टर जोनल अधिकारी, एसडीएम, आरओ भ्रमणशील रहेंगे और शाम 6 बजे तक बिना किसी असुविधा के पोलिंग पूरी करा ली जाए, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। वाराणसी में आज पोलिंग पार्टी डिस्पैच करने का कार्य चालू है। कल यहाँ 7 मार्च को पोलिंग होगी। 6 मार्च को 5 अलग अलग स्थानों से 8 विधानसभाओं की पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। यहाँ मंडी स्थल में अजगरा और शिवपुर नाम की 2 विधानसभाएं हैं, रिलेटिवली ग्रामीण विधानसभाएं हैं, यहाँ से इनकी रवानगी है। कोशिश की गई है कि डिस्पैच सेंटर को वहीं रखा जाए जिस रोड के ऊपर वो विधानसभाएं एग्जिस्ट कर रही हों। ये कुल वाराणसी में 3371 बूथ हैं और 3371 बूथ 1248 केंद्रों में बनाए गए हैं। इन 1248 केंद्रों के लिए जो बसेज हैं वो 1200 से ज़्यादा बसेज लगाई गई हैं, जिसमें सुरक्षा के लोग, पुलिस के लोग, पीएससी के लोग और हमारी पोलिंग पार्टी सभी बैठ के डिस्पैच हो रहे हैं। लगभग 40% पार्टियां वाराणसी से अभी अलग विधानसभाओं के लिए डिस्पैच हो चुकी हैं, बाकियों का कार्य चल रहा है। हमारा टारगेट है कि 2 बजे तक सारी पोलिंग पार्टियों को भेज दिया जाए। अभी यहाँ जो सामग्री वितरण हुआ है उसी में पोलिंग पार्टियाँ अपनी सामग्री का मिलान कर रही हैं। अपने पोलिंग पार्टी के बाकी सदस्यों को ढूंढ के कोऑर्डिनेट करके सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को बताने के बाद गाड़ी में बैठ रही हैं और इसी प्रकार से कल यहाँ पे ही सारे सामान का जो है वो इकट्ठे करने का काम किया जाएगा। ईवीएम जो पोल्ड ईवीएम होंगी वो यहाँ जमा की जाएंगी। स्ट्रॉन्ग रूम है वो यहीं मंडी में बनाया गया है, तो सारी पोलिंग पार्टियों को लौट के मंडी ही आना होगा। डिस्पर्सल बेशक से 5 जगह से हो रहा हो। बूथ की जो तैयारी है वो पूरी करा ली गई है। कंपार्टमेंट लगाने का काम, बैरिकेड, बल्ली आदि लगाने का कार्य चालू है और बाकी पोलिंग पार्टियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी आज नगर क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्र में वीडियोज के माध्यम से पूरी कराई गई हैं। पोलिंग पार्टियों किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सेक्टर जोनल अधिकारी, एसडीएम, आरओज और हम लोग भी शाम को भ्रमणशील रहेंगे। पूरी सुविधा के साथ आज पोलिंग पार्टी सेटल हो और कल सुबह समय से अपना काम चालू कराकर 6 बजे तक पोलिंग पूरी करा लें, ऐसा वाराणसी में उद्देश्य रखा गया है। महिला और दिव्यांग बूथों की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कि सारे कार्य महिलाएं खुद भी कर सकती हैं, 2-2 बूथ हर विधानसभा में बनाए गए हैं। कुल 16 बूथ पे सारी की सारी महिलाएं ही पोलिंग पार्टी की सदस्य होंगी। इसी प्रकार से शहर की 4 विधानसभाओं में हमारे 4 में से 3 शहर की उत्तरी दक्षिण कैंट और 4थी शिवपुर, इस प्रकार से 4 विधानसभाओं में दिव्यांग एक एक बूथ भी बनाया गया है जहाँ पोलिंग कर्मचारी सारे दिव्यांग होंगे। ये सशक्तिकरण का मैसेज दिव्यांगों के लिए देने के लिए है कि दिव्यांग भी सारे काम स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार से ये विशेष बूथ 20 बनाए गए हैं, उनकी सारी पोलिंग पार्टी उसी प्रकार से कंस्टिट्यूट की गई है और वो नॉर्मल बस में बैठ के बाकियों की तरह ही बूथ पे जाएंगे और सारा कार्य पूरा करा के कल लौटेंगे। देखिए, ऐसा है कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पूरे बनारस के जितने भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए 5 अलग अलग स्थानों से पोलिंग पार्टियाँ और उसके साथ में सुरक्षाकर्मी आज डिस्पैच हो रहे हैं। प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ज़्यादातर जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं ऑलरेडी वो आज आके अपने अपने जो बसेज हैं, हर बस का एक मतलब यूनिक नंबर दिया गया है और उनके ड्यूटी कार्ड पे उस बस का नंबर भी अंकित है, बस का नंबर मतलब सीरियल नंबर। तो इस प्रकार से अभी हमने 3 जगहों का ये डिस्पैच सेंटर देखा है, 2 और सेंटर बाकी हैं, वहाँ भी जाके हम देखेंगे। प्रयास है हमारा कि जो सुरक्षाकर्मी हैं और मतदान कर्मी हैं संयुक्त रूप से अपने अपने मतदान केंद्रों में शाम से पहले पहुँच जाए, ये हम लोग की व्यवस्था। संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था है
कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं? नहीं देखिए, अगर हम मोटे तौर पे अगर बात करें, मैं सीपीएमएफ से शुरू करता हूँ। लगभग अगर वाराणसी कमिश्नरेट की बात की जाए तो लगभग 40 कंपनियां जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगाई गई हैं। इसके अलावा हमारी अपनी पीएसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस के बाहर के जनपदों के करीब 2500 अलग अलग रैंक के, यानी कि उसमें सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल मिला के करीब 2500 ये बाहर से आए हैं। ये बूथों की ड्यूटी के लिए हैं। इसके अलावा जो कमिश्नरेट के जो हमारी पुलिस बल है वो बैरियर्स पे, चेकिंग के विभिन्न पिकेट्स बनाए गए हैं उन जगहों पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ में सुरक्षाकर्मी, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल्स बहुत सारी बनाई हुई हैं। तो इस प्रकार से मतलब एक व्यापक तौर पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि इंसिडेंट फ्री, फेयर फ्री और इंक्लूसिव इलेक्शंस कराना, और उसी ध्येय पे हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। किस विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगी है, कितना उसका देख रहे हैं? जी मेरा जो ड्यूटी है वो सार उत्तरी में लगा हुआ है, और हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार होकर के आए हैं और ये मतदान कराने के लिए, और काफी मतलब अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या हिदायतें दी गई है, आपको किस तरह से आप लोगों को जो है मतदान करने? जी हम लोग को ये बताया गया है कि आप लोग जो है वहाँ पर जा करके और जितना भी हो सके रियायती बरत करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइएगा। और मशीनों के बारे में किस तरह से जानकारी दी गई है, किस तरह से आप लोग को ट्रेनिंग दी गई है मशीन के बारे में? मशीन को ये बताया गया है कि मशीन को कैसे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ने के तरीके सारे हम लोग को बताए गए हैं। उसको कैसे करें तो वो हम लोग जो है प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं उसको हम लोग, और प्रैक्टिकल करके फिर जो है सुबह मॉक पोल कराना है, और मॉक पोल करा करके फिर सीआरसी करके फिर वास्तविक मतदान हम लोग को कराना है।